हेलो एवरीवन, भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, रवा का ढोकला बनाने जा रहे हैं। और आप मेरी तरह इसी माप से बनाइए तो आपका ढोकला कभी ख़राब नहीं होगा, हमेशा परफेक्ट बनेगा। तो जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है पहले, फिर मैंने एक सेम इस तरीके की जो जिसका बेस और अपर साइड सेम होता है इस तरीके की कटोरी ले ली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस तरीके की कटोरी का यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैंने ये मोटी वाली रवा ली है, तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्सी में पहले ग्राइंड कर लेंगे। और अगर आपके पास पहले से ही बारीक वाली रवा है तो आप उसी का यूज़ कीजिए। अभी हमने बारीक पीस ली है रवा को। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। देखिए ये पूरी फुल से थोड़ी सी कम है कटोरी से, तो हमने इसे बाउल में ले लिया है। अब जितना हमने रवा लिया था उतना ही सेम हमें सेम क्वांटिटी में ही हमें दही लेना है, और उसी सेम क्वांटिटी में हमें एक कटोरी पानी लेना है। इन दोनों को मिक्स करके दही को और पानी को मिक्स कर लिया है हमने। इसे अच्छे से चला लेंगे, जैसा छाछ होता है छाछ जैसी कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। फ़ोन का टॉर्च ऑन हो गया जिस वजह से आपको सही दिख नहीं रहा है, क्योंकि वाइट बाउल है और वाइट दही है तो इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। अब हम इसे जो हमने रवा ली थी कटोरी से उसी में इसे डाल दिया है। अलग से हमें कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है। अब हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे आपका ढोकला कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आप दो कटोरी रवा लेते हैं तो आप दही की क्वांटिटी भी दो कटोरी कर देंगे, और जो उसमें हमने अलग से पानी ऐड किया है वो भी आप दो कटोरी कर देंगे। मिक्स कर लिया। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि जो रवा होती है वो थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में टाइम लेती है। तो 10 मिनट हमने रेस्ट के लिए रख दिया इसे, तब तक हम चटनी के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये थोड़े से पीनट्स लिए हैं जिसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा नहीं, मतलब अच्छे से हमें इसे रोस्ट कर लेना है। जब तक ये अच्छे कुरकुरे ना हो जाए, खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। और एक बाउल में मैंने दो टमाटर लिए हैं, दो लाल मिर्च ली है और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ मैंने छील ली हैं। इन्हें हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। टमाटर को हम जब भी बॉयल करके यूज़ करते हैं तो टमाटर की चटनी अगर आप एक से दो दिन भी रखेंगे तो वो स्मेल नहीं करेगी। इस वजह से टमाटर को हम बॉईल करके अगर इसकी चटनी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है। अभी बॉईल होने लगा है तो अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम पानी से अलग करके किसी बर्तन में निकाल के रख लेंगे ठंडा होने के लिए। इस प्रोसेस में करीब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखिए रवा अच्छे से फूल गई है, हमारा जो बैटर था वो भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस हम इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है मीठा कम ही रखिएगा, और हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। चटनी में भी नमक होगा तो हम नमक उस हिसाब से ही ऐड करेंगे कि ज़्यादा ना हो। और मैंने इसमें एक पैकेट इनो डाल दिया है। इनो हम तभी डालेंगे जब हमें इसे बनाना होगा, स्टीम करना होगा। पहले से हम इनो डाल के इसको रखेंगे नहीं। और अब ज़रा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है पानी बॉयल होने के लिए, क्योंकि इनो डालने के बाद हमें इसे तुरंत स्टीम करना होता है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे। अगर आप छोटे बर्तन में बनाना चाहें तो छोटा बर्तन भी ले सकते हैं, अगर बड़े में बनाना चाहें तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। अभी जो बैटर हमने बनाया है रवा का वो हम इस प्लेट में डाल देंगे। इस पे हम ऊपर से हल्का सा रेड चिली पाउडर छिड़क देंगे जिससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा।
आप चाहे तो काली मिर्च या और कोई मसाला आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं ऊपर से। अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है। अगर आप छोटे बर्तन का यूज़ कर रहे हैं तो आप छोटे भगोने में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम एक कटोरी रख देंगे। कटोरी मैंने उल्टी रख दी थी जिस वजह से थाली जो थी वो टेढ़ी हो गई थी, तो आप कटोरी को सीधा रखिए या फिर अगर कोई भारी चीज़ हो आपके पास तो भारी चीज़ रख दीजिए इसके अंदर। अब इसे प्रॉपर हम ढक देंगे और करीब 15 मिनट लगेगा इसे स्टीम होने में, तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। ये पीनट्स अब ठंडी हो चुकी हैं तो इनके छिलके हम हटा देंगे। टमाटर ये बॉयल हैं तो इनके छिलके भी हम हटा लेंगे ऊपर से। छिलके हटा के इन्हें हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे। अब इन सभी को हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। मिक्सी जार में डाल के अच्छे से थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप हल्का सा इसमें चीनी भी डाल सकते हैं या इमली का पल्प भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपको चटनी खट्टी पसंद है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी मूंगफली और टमाटर की चटनी बनके रेडी हो गई है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और 2 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो इसमें थोड़ा सा चटनी का नीचे लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से हिला के वो भी जो पानी होगा चटनी में डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी चटनी बनके रेडी हुई, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप चटनी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा ढोकला है पका है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक टूथपिन लेंगे और टूथपिन को हम इसमें इस तरीके से लगा के देखेंगे। अगर लगा हुआ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ढोकला हमारा पक चुका है। देखिए ज़रा सा हाथ में भी नहीं आया, मतलब ढोकला पक चुका है। तो अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने तड़का पैन लगा दिया गैस पे, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अगर आपको पीनट्स ऑयल पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और 3 मैंने हरी मिर्च बीच में से कट करके डाल दी, थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दिया है। जब इन सबका कलर डार्क हो गया तब मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाल दी है। इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ऊपर से इसमें डाल देंगे। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे बर्फी जैसे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए कितना इजीली कट हो जा रहा है, ये कहीं भी ज़रा सा चिपक नहीं रहा है और बहुत फ्लफी बना है। आप भी कभी भी आपको बनाना हो ढोकला इसी तरीके से बनाइए, आपका ढोकला कभी ख़राब नहीं होगा। बस आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है, आपका मेज़रमेंट गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई है तो लेकिन आपको इनो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 कटोरी रवा में भी 1 पैकेट इनो ही यूज़ करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इस तरीके से ये हमारे रवा ढोकला बनके रेडी हो गए हैं, काफ़ी स्पंजी बने हैं। मैं आपको देखिए कितने स्पंजी बने हैं, कितने फ्लफी बने हैं, तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी बना है और कोई मेहनत नहीं है इसे बनाने में। अगर आप बनाएंगे तो ये नॉर्मली अगर आप बनाते हैं तो 15 से 20 मिनट में आपके ढोकला बनके रेडी हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।